साबुन की बदबू। क्या बात है, आजकल खूब साफ सफाई नहीं हो रही घर में? अच्छा, आपको कैसे पता? नहीं, वो आजकल हर बर्तन में से साबुन की खुशबू आ रही है ना, इसलिए। क्या अब सारे बर्तन है ना, तुम खुद ही धो लेना। चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो मेरे जैसी बीवी नहीं मिलेगी तुमको जो इतना सारा काम करती हो। लेकिन मैं तुम्हारे जैसी ढूंढूंगा ही क्यों? आप हमेशा ऐसे ही करते हो, अब निकलो यहाँ से, किचन से चले जाओ यहाँ से। अरे जा रहा हूँ। तो पहले ही लॉकडाउन है, ऊपर से ये इनका कुछ तो भी बड़बड़ चलता रहता है। अब ये फोन किसका आ गया? अरे डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, नहीं जाके? हाँ ठीक है, चलेगा, चलो बाय। सुनो। अरे क्या है, बोलना, बेरा थोड़ी हूँ। सुनो, वो डॉक्टर साहब का फोन आया था कि वो आपको एंजाइटी इश्यू हो रहा है ना, तो हमें किसी हिल स्टेशन पे घूमने जाना चाहिए, तो कहाँ चले अपन? अच्छा, ऐसा बोला डॉक्टर ने? दूसरी जगह तलाश करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, दूसरी जगह चलते हैं, जैसे मनाली, कश्मीर चलते, कश्मीर। वैसे दूसरी जगह से मेरा मतलब दूसरे डॉक्टर से है, ठीक है? क्या? सुनो, तुम मेरे लिए खाना बना दोगे क्या? प्लीज, मेरे इतने बर्तन मांजे, प्लीज। अरे यार, मैं तो भारी परेशान हो गया हूँ यार, जैसे लॉकडाउन में बस मेरे से दिन भर काम ही कराती रहती, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, अब बोल रही है खाना बना दो। मेरे को तेरे से तलाक चाहिए। कहाँ है वकील? वकील को फोन लगा के बात कर। हाँ लगा, मैं भी लिस्ट बनाती हूँ मेरे घर से क्या क्या सामान आया था। रुक जा। हेलो, हाँ वकील साहब, क्या आपका भी? अच्छा, ठीक है। हाँ, जानू मैं यूँ कह रहा था कि क्या बोले वकील साहब? नहीं, कुछ भी नहीं। चलो। नहीं, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि वकील साहब क्या बोले। नहीं, तुम तो ये बताओ कि तुम्हें लंच में क्या खाना है। मैं बनाऊंगा। नहीं, तुम बताओ पहले। उनका भी अभी तलाक हुआ और वो तब से घर में बैठ के बर्तन ही मांज रहे हैं, मेरा क्या तलाक कराएंगे। जाओ मेरे लिए बिरयानी और पनीर टिक्का बनाओ। मुझसे पनीर टिक्का और बिरयानी बनवाएगी? रुक बेटा, आज तेरे को ऐसी बिरयानी और टिक्का खिलाता हूँ कि जिंदगी भर याद रखेगी। ये पनीर और ये रहा तेरा टिक्का। और क्या, बिरयानी खाना है इसको, बिरयानी और ये ले तेरा सारा खड़ा मसाला। अब खा तू पनीर टिक्का और बिरयानी। अरे जल्दी करो ना, लाओ ना मेरा पनीर टिक्का और बिरयानी। ये लीजिए मैडम, आपका पनीर टिक्का और बिरयानी। ये सब क्या उठा के लेके आ गए? खाना कहाँ है? ये पनीर टिक्का और बिरयानी तो है, ये देख, ये पनीर है और उस पे ये टिक्का, तो ये क्या हो गया, पनीर टिक्का, ठीक है? और ये आपकी बिरयानी, ये चावल, और ये बिरयानी में पड़ने वाली देखो लौंग, इलायची और ये सारा खड़ा मसाला, तो हो गया ना पनीर टिक्का और बिरयानी। पर ये तो सब कच्चा है, मैंने आपको पका के लाने के लिए कहा था स्वादिष्ट खाना, ये सब क्या ले आया? अरे जो महिला इंसानों के दिमाग को कच्चा चबा जाती है उसके लिए ये क्या बड़ी चीज है? तो अब तू आराम से खा पनीर टिक्का और बिरयानी, बाय। मुझसे बनवाएगी। चले जाओ मिस्टर हस्बैंड, रहना तो मेरे साथ ही है ना इसी घर में, अब देखना मेरा भी समय आएगा, मैं बताती हूँ। तभी मैं सोच रही इतने दिन से आपने टोपा क्यों लगा रखा है गंजो। सुनो, बंजर जमीन पे ना खेती नहीं करते। गंजो
वो है ना बेचारे कंगा भी शर्मा गया होगा आपके बालों की वजह से। वो आगे क्यों उसके ना वो दाते भी थोड़े थोड़े खराब हो गए होंगे कंजू। अरे वो तो प्रतिभा मैंने पता है आपके गंदे होने का बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा। कट बहना माचिस नहीं जलती तो मैं आपके सर से घिस घिस के माचिस जला लूंगी, बहुत मजा आएगा।